Hi, this is Abhijit Samant and you are watching M&S News. नमस्कार, मैं रवीना M&S News Live में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीरमेटा के युवा किसान ने बनाया केवल 400 रुपए में कोड़क यंत्र। एक तरफ सरकार की गलत नीतियों की वजह से पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने हैं। नौकरियां नहीं लगने की वजह से या फिर रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होने की वजह से कई बेरोजगार युवा खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मन में कुछ करने की जिज्ञासा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। भंडारा जिले में एक युवा किसान ने अपनी जिज्ञासा से ऐसा ही एक यंत्र तैयार कर घाटे में जा रही खेती को फायदेमंद बनाने की कोशिश की है। रामपाल किसान भंडारकर यह युवा किसान लाखांदूर तहसील के किरमटी का रहने वाला है। रामपाल ITI हो चुका है, लेकिन पिताजी का देहांत होने के बाद घर की जिम्मेदारी आने से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर की 5 एकड़ जमीन खुद खेती करने लगा। आए दिन खेती में काम के लिए दिक्कतें पैदा हो रही थी। खासकर रामपाल ने अपने खेती में सब्जियां ज्यादा लेते हैं और उसके लिए बार बार मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इस पर पर्याय करके एक युवा किसान ने खुद का ही दिमाग लगाकर एक ऐसा कम लागत का यंत्र बनाया जिसमें समय और पैसों की भी बचत होने लगी। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें समय और पैसों की बचत हो रही है? आइए सुनते हैं युवा किसान की जुबानी से हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजीवाल के साथ। हमारे साथ में जो अभी एक युवा किसान जो आपके साथ दिख रहे हैं, ये है रेपाल किसान भंडारकर जी। इनका गांव है लाखांदूर तहसील का छोटा सा गांव है किरमटी, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके पास में अभी यहाँ 5 एकड़ पूरी जमीन है। इस 5 एकड़ जमीन में ये सारा सब्जी का और कुछ अन्य फसलें लेती है, लेकिन मजदूरों की कमियाँ होने की वजह से समय समय पर जो काम करना चाहिए, मशागत होना चाहिए, खेती होती नहीं। इसलिए उन्होंने नए तरीके से एक यंत्र के एक निर्मिति की खुद के मतलब दिमाग लगाकर एक ऐसा साइकिल का एक यंत्र बना जिसको कोड़क नियंत्रण जो कहा जाता है। इससे खेत में जो उगने वाला तन जो है, छोटा छोटा तन जो है, तन को दुरुस्त करने के लिए इस यंत्र का उपयोग होता है। आइए सुनते हम ये युवा किसान के माध्यम से ही जबान से कि उन्होंने कैसे तकनीक अपनाई और इसके लिए उन्होंने क्या क्या मतलब सिस्टम अपनाया। मेरे पास एक साइकिल पड़ी थी मेरे पिताजी की, मैंने कहा उस साइकिल का कुछ बना लेते और अपने खेती को भी काम में आ जाएगा। तो मैंने वो साइकिल और मेरे पिताजी गुजर गए, मैंने कहा कि पिताजी की यादें भी हमारे साथ रहेगी और हमारे साइकिल की वजह से हमारा पिताजी का भी मेरे साथ साया रह जाएगा। इसलिए मैंने पिताजी की साइकिल काटा और ये बनाया मैंने। इसे मतलब ये देखो, इधर ये फास है ट्रैक्टर की, ये फास चला लेंगे हम पहले और उसके बाद से वो फास बनाइए। आपने पहले देखा फास, इससे मैंने निकाली जितनी लगती मात उतनी निकाल दिया निकल जाएगा। ये जो अभी जो फसल लगाने के बाद में बीज रोपे होने के बाद में जो तन छोटा निकलता है उसको पूरा निर्मल हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। उससे फसल के लिए भी मतलब काफ़ी मतलब लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है और समय के काम भी हो जाता है। अच्छा जाता है, समय पर इसका मतलब निकला जल्दी पौधा बढ़ जाता है। समय समय पर उसकी मशागत लेंगे तो उसकी फसल ही हमारा फसल बढ़ेगी। इसको काफ़ी खर्चा आएगा फिर आपको? नहीं सर, मेरे को 400 रुपये खर्चा आया और ये हमारे घर में पुराना ट्रैक्टर था, उसकी मैंने खाद लगाई और वो ये आपको दिखाया मैंने, वो लोहार से बनाया। मतलब 400 रुपये में ये सब पूरा यंत्र बनाया। किसी के पास में पुरानी साइकिल तो होती है? हाँ होती है ना। तो हम 200 में बेचते हैं, लेकिन मैंने वो साइकिल बेची नहीं। मैंने कहा कि साइकिल का पूरा काम करेंगे। मटेरियल का आपने यूज किया और उसके हिसाब से आपने जो यंत्र बनाया ये काफ़ी लाभदायक दिखता है। मैं देख रहा हूँ जब से ये हल्का भी हो रहा है। आप चला कर भी देखा? हाँ, देख सकते हो सर आप।
को मैं भी चला कर देख रहा हूँ कि मैंने पूछा इनको कि ये चलाने के लिए बड़ा काफ़ी हार्ड जाएगा, तकलीफ हो जाएगी चलाने के लिए, ये शोल्डर जो है इस शोल्डर को भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैंने खुद इसको चला के देखा तो बहुत ही ईजिली ये चलाने में लग रहा है और जितना भी हम प्रेशर कर सकते हैं जितना इस हैंडल के ऊपर दबाव डालेंगे यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट दिया। अच्छा, तो ये क्या जितना भी हम ये जो शोल्डर दबाएंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी निकल सकती है और मैं देख रहा हूँ कि ये अपने जो शोल्डर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। हाँ, इससे मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए भी जितनी ज़्यादा जगह चाहिए अपनों को, जितनी ज़्यादा मिट्टी निकलना चाहिए, मतलब डीप ज़्यादा डीपली निकलना है तो उसके लिए भी मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर ये है एडजस्टमेंट के लिए जगह दी गई है, इसलिए यह अपने हिसाब से अपने को जैसा लगता है अपने हिसाब से अपन इसको कम ज़्यादा करके अपनी मिट्टी निकाल सकते हैं। बहुत ईजीली ये हो रहा है और जिसका खास करके जो डिस्टेंस होता है फसलों में अपन जो बीज लगाते हैं हर कोई सब्जी का जो है इसका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये लग रहा है और इसको जब अपन खेत में चलाते हैं, मान लीजिए जैसे हम खेत में चलाते हैं हल से भी बहुत ही ईजीली और ख़ास करके ये जो साइकिल का एक ये होने की वजह से बहुत ईजीली ये काम होता है और निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। बहुत खर्चे का है कम है, मतलब 400 रुपये बोलते बहुत ईजीली हो गए, क्योंकि 400 रुपये का खर्चा लगाने के बाद में हजारों रुपये का फ़ायदा एक बचत एक किसानों को हो रही है, हजारों रुपये का एक बचत इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है कि इसमें अभी देखिए हम तो इस खेत को पूरा मतलब इसके अगर मशागत करने के लिए जाओ, कल निर्मूलन करने के लिए जाओ तो कम से कम 5 या 6 लेबर काम करेंगे दिन में और कम से कम 4 से 5 दिन काम करेंगे, मतलब कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपया इसको खर्चा रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी 15-20 मिनट के अंदर कम से कम बहुत सारी जगह हमने यहाँ अभी प्रैक्टिकली करके देखे, 15-20 मिनट के अंदर इतनी सारी जगह हो गई, मतलब एक घंटे के अंदर ये सारी जगह एक डेढ़ घंटा में हो जाएगी, बैठे बैठे भी हमने 20-25 डिसमिल की जगह होंगी ये। हाँ, है ना, ज्यादा नहीं। हाँ, ये 40 डिसमिल की जगह है, 40 आर जगह है और इसमें बहुत ही कम समय में इतनी जगह यहाँ होता है, मतलब इसका खर्चा भी कम हो रहा है, खर्चे लागत भी कम है और इसका उपयोग करने से मजदूरों को जो पैसा जाने वाला था वो पैसा भी नहीं जाने वाला है और मजदूरों का इंतजार न करते हुए बहुत ही कम समय में खुद ही हम जैसा जैसा समय मिल सकता है उस समय का इस्तेमाल करते अपनी फसलों को हम सही ढंग से या मेहनत करके सही ढंग से फसलों को उगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा इस संयंत्र का दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से ये किसानों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद लग रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना कोई डीजल लग रहा है ना पेट्रोल लग रहा है, क्योंकि आए दिन डीजल पेट्रोल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करना महंगे में जाता है, सही है, ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता तो छोटे किसानों के लिए ही ये जो साइकिल का यंत्र बना हुआ है, थोड़ा यंत्र जो यंत्र बना हुआ है, इससे मुझे लगता है कि बहुत सारा फायदा होने वाला है। यह सारी बचत ही बचत है, ना पेट्रोल का लिए खर्चा आने वाला है, ना डीजल के लिए खर्चा आने वाला है, ना मजदूर लगने वाला है, खुद ही किसान इसका इस्तेमाल करके अपने खेत को बिल्कुल तननाशक तन विरहित रख सकते हैं और इससे ज़्यादा उत्पादन भी अपने फसलों के माध्यम से निकाल सकते हैं। आप अपना नाम बताइए और आपने जो ये भी प्रोडक्ट यंत्र देखा है, अपने साइकिल जैसा बना है, ये आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या कहना है इसके बारे में? आज हम जयपाल प्रकाश पंडा का यानी यंत्र जो बनाया है तो मैंने ये त्यांची जो मेहनत आहे वन मजुराची ते पण खूप बचत होते त्याची, तो आपको अच्छा लगा ये? हाँ। है ना? अब क्या आप बनाओगे अभी अपने लिए? हाँ, बनाऊंगा ना। है ना, क्योंकि आप अगर ये बनाएंगे तो अपने लिए भी आपको भी फायदा हो सकता है उसका। हाँ। ये आपने यंत्र देखा है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ। मतलब इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है। अच्छा, आप भी खेती करते हो? हाँ। या फिर आपने भी अपने खेत में ये इस्तेमाल करोगे? काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, आपकी मतलब मजदूरों की बचत हो जाएगी, पैसों की बचत हो जाएगी। आपका नाम क्या है? हमारे गिरमटी के युवा किसान
क्योंकि आजकल देखा जाता है कि युवा लोग खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दिनों दिन ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि पढ़े लिखे युवा जो होते हैं तो पढ़े लिखे युवा केवल बेरोजगार युवक के नाम से उनके पीछे थप्पड़ लगा है, बेरोजगार बेरोजगारी उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन मन में कुछ जिद है, मन में कुछ कुछ करने का अगर कुछ मन उन्होंने बना डाला तो चाहे नौकरी लगे ना लगे, सरकारी नौकरी लगे ना लगे, अपनी जो खेती है, अपनी किसानी, जो अपनी किसानी में अगर हम काम करके मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से अपने ही ज़मीन से हम ज़्यादा पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, उसका फ़ायदा कर सकते हैं। उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चालू कर दिया लोगों ने, लेकिन हर किसी के पास में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन पैसा हमारे पास में उपलब्ध नहीं होता, और केवल पैसे के अभाव से हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती का मतलब उत्पादन दुगना बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए वो होता नहीं। लेकिन इन्होंने एक वेस्टेज साइकिल का इस्तेमाल किया और ऐसा एक यंत्र बना दिया कि ताकि जो मतलब खेती के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, प्रोडक्ट नियंत्रण यंत्र है, साइकिल का इस्तेमाल इन्होंने किया, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और मात्र 400 रुपये खर्चा करके ये यंत्र बनाकर इन्होंने हज़ारों रुपये की बचत इन्होंने एक फसल के लिए की। मतलब साल भर अगर ये इसका इस्तेमाल करते हैं, साल भर में 2 या 3 फसलें निकालते हैं और साल भर में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम जो 50,000 रुपया खर्चा होने वाला है मजदूरों के ऊपर, 50,000 की बचत इसमें हो सकती है। मतलब जो बाहर पैसा जाने वाला था वो बाहर पैसा जाने वाला भी रुकने वाला है, उतनी आमदनी बढ़ने वाली है। तो निश्चित रूप से ये जो साइकिल माध्यम से इस्तेमाल करके जो इन्होंने पूरा केंद्र बनाया ये किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। अगर कृषि विभाग ने थोड़ी सी मदद इनको अगर कर दी तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन एक यंत्र भी इन्हें बना सकते हैं। उनकी मंशा भी है इससे और खेती करने के लिए जो उपयुक्त यंत्र जो है उनका बनाने का इरादा है। निश्चित रूप से इरादे में ये सफल हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ऐसे ही बचत अगर करते जाए किसान तो निश्चित रूप से जो आज घाटे में जो खेती चल रही है, किसानी चल रही है, वो घाटे में से निकल कर एक फायदेमंद खेती भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये दिखाने का प्रयास ये हमारे युवा किसान ने किया है। निषाद लांजोर, MNS न्यूज भंडारा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब